सम्मानित मंच बुजुर्गों मेरी माताओं बहनों के नौजवान साथियों, बहुत चीजें हो सकती भाई ने जो बात कही उसके ऊपर बाद में चर्चा करूंगा। पहले तो मैं बधाई देना चाहता हूं कुछ प्रेरणा में इस भवन मौके वर्तमान साथियों को। महात्मा बुद्ध ने जिन्होंने पूरा जीवन अपना समाज के लिए समर्पित करने का काम किया हो, और उनके बाद बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने समाज को शिक्षित और संगठित करने का नारा देकर के आपको इकट्ठा करने की बात की हो, लेकिन गमनों के साथ देखने का काम करो कि हम उनके कही हुई बातों के ऊपर चलने का काम भी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। बहुत धर्म के मानने वाले लोग, महात्मा बुद्ध को मानने वाले लोग, जिन्होंने पूरा जीवन अपना हिंसा के खिलाफ लगा दिया, तो कैसे हिंसक हो सकते हैं? ये शोचनीय प्रश्न हमारे और आपके बीच में होगा। हिंसा किसी चीज का समाधान नहीं हो सकता। कुछ लोगों ने गुमराह करके समाज के लोगों को किस तरीके से कल प्रदर्शन कराने का काम किया, मैं कड़े शब्दों में निंदा करने का काम करता हूं। लेकिन साथ ही एक बात कहना चाहता हूं कि हम कह रहे हैं कि हम कोई भेदभाव नहीं है, हमें तो हाथ खुले हुए हैं। आओ साथ में रहे, आओ साथ में करने की सबों की कुछ करने का काम करें। हिंसा का कोई रास्ता नहीं हो सकता। चंद लोग जज्बात के अंदर आकर के फैसला लेते, अब जब मुकदमे लिखे जाएंगे, मुकदमे तमाम लिखे गए हैं, नई गुना लोगों को परेशान करने की साजिशें की जाएंगी, हमें उन साजिशों के खिलाफ इकट्ठा होना होगा कि हमारे उन नौजवानों को, उन शिक्षित नौजवानों को टारगेट कर करके साथियों ये लोग टारगेट कर करके उन शिक्षित नौजवानों को फंसाने का प्रयास करेंगे। हमारा आपका संयुक्त प्रयास होना चाहिए कि ऐसी किसी भी कार्रवाई के खिलाफ हम लोग मजबूती के साथ लड़ने का काम कर सके। साथ मैं बात साथ कई बार आकर के कह करके गया हूं, एक विचारधारा के लोग पूरे देश के अंदर माहौल खराब करना चाहते हैं, और उस विचारधारा के लोग जिस प्रकार से आपने देखा होगा सड़क धुंधली के अंदर ड्रामा शुरू हुआ। हमने सड़क धुंधली में जाकर पंचायत की, मैंने कहा तुम्हें दिक्कत क्या है यात्रा से, मुझे ये बताओ दिक्कत क्या है यात्रा से, क्या रोज बैंड नहीं बजते, क्या रोज यात्रा ही नहीं निकलती, तुम्हें क्या दिक्कत है यात्रा से? अगर गांव के अंदर गांव के तुम सारे लोग खड़े होकर के स्वागत और सम्मान करोगे तो समाज के अंदर एकता का संदेश जाएगा। मैं इन प्रयासों के अंदर लगा हुआ था, ये सदी जी से बात कर रही थी कि इस बार हम लोग सड़क दूरी के अंदर यात्रा के लिए अनुमति मांगने का काम मुस्लिम समाज की तरफ से कराएंगे, जिससे समाज के अंदर एकता का संदेश जाएगा। साथियों ये बात बर्दाश्त नहीं हुई और खड़ा कर दिया उन लोगों को आमने सामने, जो दोनों के दोनों दबे हुए हैं, जो दोनों के दोनों सबसे ज्यादा परेशान हैं। दो वर्गों को लड़ाने का काम हो गया, सूझबूझ का परिचय दिया मेरे दलित भाइयों ने, मेरे मुस्लिम साथियों ने, कि उस विचारधारा के आगे आप लोगों ने घुटने नहीं देखे, आप लोग चट्टान की तरह अड़ गए और वो लोग अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाए। सड़क दूधली में प्रभावी कार्रवाई होती तो ये हिम्मत ना होती कि शबरीपुर हो जाए। शबरीपुर के अंदर पूरी की पूरी बस्ती जला दी गई। अरे तुम पूरी बस्ती जलवा दोगे और फिर सोचोगे कि बस्ती जला करके इनको दबा करके इनके हालात इस तरह में पैदा कर एक घुटनों पर आ जाए। मैं समझता हूं कि कोई भी समाज इस खंडित करके की इजाजत देने का काम नहीं करेगा। कोई एक समाज बुरा नहीं हो सकता, अच्छे और बुरे लोग हो सकते हैं। वहां भी दो वर्गों को लड़ाने का काम हो गया और भारतीय जो हमारी पार्टी सरकार के अंदर बैठी हुई है, इनके नेताओं का दलित प्रेम काफूर हो गया। कहां है आज वो दलित प्रेम?
नहीं किया जाता है। मैं तो बार बार आग्रह कर रहा हूं, निवेदन कर रहा हूं, मुझे टारगेट किया जाता है। इमरान बहुत अच्छा आदमी है, बहुत बढ़िया नेता है, काम करता है, लेकिन जब वोट देते हो तो वोट देते हुए इमरान मुसलमान बन जाता है। मैं मुसलमान आज भी हूं, मुसलमान कल भी हूं, तो मेरे हिंदू भाई आज भी हिंदू है, कल भी हिंदू है। अरे वोट का क्राइटेरिया तो तय करो। पता नहीं भाई, मैं तुम्हारे से भी कहना चाहता हूं, एक पार्टी के तुम्हारे ऊपर एक अधिकार बनाता है। लड़ाई लड़ने का नंबर आता है तो इसके नेता काफूर हो जाते, फूटे नहीं मिलते। किसी का हिम्मत नहीं हुई वहां यह कहने की कि निष्पक्ष जांच कराओ। अगर पोस्टमार्टम की रिपोर्ट ये कह रही है कि मौत घुटने से हुई है, तब घुटने से हुई है, तो फिर ये हत्या का मुकदमा प्रधान के ऊपर क्यों दर्ज किया जा रहा है? यही हिम्मत किसी नेता की नहीं हुई बात, जो आप पार्टी आपके ऊपर एक अधिकार बनाने का काम करती है। बड़ा जोर से नारा लगा रहे हैं वो लोग भी, कहते हैं कि मुस्लिम एकता बना दो, बिना सेनापति के जंग लड़ नहीं जाती, बिना सेनापति के कोई फौज लड़ नहीं सकती। और अब इस दौर के अंदर लड़ाई लाठी डंडे की नहीं है, इस दौर के अंदर लड़ाई साथियों दिमाग की है, इस दौर के अंदर लड़ाई साथियों हम महात्मा गांधी के मानने वाले लोग हैं, अब हिंसा का सहारा नहीं लेंगे, अब महात्मा बुद्ध को मानने वाले लोग हैं, हम हिंसा का सहारा नहीं लेंगे, हिंसा जहां भी होगी वो आंदोलन समाप्त हो जाएगा। ये आपको कहना चाहता हूं दोस्तों, हिंसा के सहारे कोई चीज आप हासिल नहीं कर सकते। इस देश के ऊपर जितना अधिकार इमरान का है, उतना अधिकार सतीश का है, उतना अधिकार मुकेश का है, उतना अधिकार नरेश का है। साथियों, ये जो महान शख्सियत खड़ी हुई है, जो कहता है कि मैं इनको मानता नहीं, अरे इनको नहीं मानते तो तुम यहां खड़े कैसे? ये अधिकार तो तुमको इन्होंने ही दिया, ये संविधान के अंदर अधिकार देने वाली महान हस्ती बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर, जिसके ऊपर केवल एक पार्टी, केवल एक समाज अपना अधिकार समझता है। तुमसे भी कहना चाहता हूं, ये केवल तुम्हारे अधिकार का नहीं है, ये देश के लिए, पूरे देश के अंदर रहने वाले एक एक व्यक्ति के लिए सम्मानीय है। राजोर से कहते जय भीम नहीं कहेंगे। अरे जब हम आपस में जिंदाबाद लगा देते हैं, इसकी जिंदाबाद, उसकी जिंदाबाद, तो फिर भाई किसने हमें अधिकार दिया उसकी जिंदाबाद कहते हुए हमारी जबान क्यों चलती है, हमारी जबान क्यों रख करती है? बाबा साहब ने जिस वक्त जन्म लिया, उस वक्त के हालात के अंदर उन्होंने अपनी काबिलियत के दम पर, शिक्षा के दम पर, अभी एडीएम साहब गए कहने लगे नेताओं पर बहुत आरोप लगते हैं, आपकी नेता है। मैंने कहा मैं भी नेता हूं, लेकिन अगर सारे नेता एक जैसे हो जाए तो ये देश 50 साल में इतनी तरक्की नहीं कर सकता था जितनी तरक्की आज देश ने कर ली। ये दलित समाज जो यहां पर बैठा हुआ है, ये दलित समाज आज 60 साल पहले की स्थिति के अंदर होता अगर सारे नेता एक जैसे होते, अच्छे लोग भी होते, बुरे लोग भी होते। मैं कड़वी बात कहता हूं, लेकिन साथियों सच कड़वा होता है, और सच यही है कि हिंसा किसी भी चीज का उपाय नहीं हो सकता। जो हिंसा के लिए आपको उकसाने का काम करते हैं वो सबसे बड़े दुश्मन आपके होते हैं। कहां लड़ोगे, कहां लड़ोगे? कानून का सहारा लोगे, अगर नजरें दौड़ाओगे तो दूर दूर तक तुम्हें, अगर बाबा साहब का सहारा लोगे तो राह मिलेगी, और अगर हिंसा का सहारा मिलोगे तो दूर दूर तुम्हें कोई अपना नजर नहीं आएगा। साथियों, बहुत सारी बातें मन से कही नहीं करता, समझने की होती है। ये जो बच्चों को पकड़ करके जेल में डाला जाए, जब तो चले जाए, समानते कराना भारी हो जाएगा। जब सहारनपुर में फसाद हो रहा था, मैंने तब भी मुसलमानों से कहा था कि कहां जा रहा हूं लड़ने के लिए, लाठी डंडे का वक्त खत्म हो चुका है, मुल्क के अंदर सबको बराबर इख्तियार थे, लाठी डंडे से लड़ाई नहीं होगी, हम आंदोलन करेंगे, अहिंसात्मक आंदोलन करेंगे। और अपने आंदोलन में इतनी ताकत होती है अगर संगठित होकर के सबने कर ली कि बड़ी बड़ी सरकारें गिर जाती,
बड़े बड़े देशों की तारीख बदल गई अहिंसात्मक आंदोलन से हिंदुस्तान, और अभी हिंदुस्तान की जंग आजादी के किस्से तुमने सिर्फ पढ़े हैं, यहां तमाम लोग बैठे हुए हैं, तुमने देखा है अभी मिस्र कहा। एक रात के अंदर एक लड़की चली थी कि मैं जा रही हूं तहरीर चौक के ऊपर, जिसको आना है आओ, और फेसबुक ने क्रांति कर दी। 10,000 लोग जमा हो गए, अहिंसात्मक तरीके से लड़ते रहे, पुलिस ने गोली चलाई, गोली खाई, टैंक चलाए, टैंकों के नीचे आए, लेकिन राष्ट्रपति को हटा करके वहां से हटने का काम किया। ये होती है अहिंसात्मक आंदोलन की ताकत साथी। इसलिए आपसे कहना चाहता हूं, आओ सब लोग मिलकर के हम लोग इन फांसीवादी लोगों का मुकाबला करने का काम करें, इस जमात का, इस विचारधारा का मुकाबला करने का काम करें जो विचारधारा हमें नफरत देना चाहती है। और अपने आप को बंधनों से आजाद करो पहले, जिन बंधनों में चकर कर तुम बैठ गए हो। अरे देखो तुम्हारी लड़ाई कौन लड़ सकता है, देखो तुम्हारे लिए कौन आगे बढ़ करके चल सकता है। उसकी जाति और उसके धर्म पर मत जाओ, उसके कर्म पर जाओ, और जब कर्म पर फैसला करोगे तो निश्चित रूप से जान लो कि विजय आपके कदमों को चूमने का काम करेगी। साथ ही जिस एकता की बात कर रहे हैं उसके लिए मैं आह्वान करना चाहता हूं, मैं लड़ूंगा आपके समाज के लोगों को। क्या केवल दलित समाज के लोग आरक्षित सीटों पर चुनाव लड़ेंगे? क्या केवल आरक्षित सीटों पर चुनाव लड़ाई उनका आधार बनेगा? आइए मैं आज आपके सामने ऐलान करना चाहता हूं, मैं आपको जनरल सीट से भी चुनाव लड़ूंगा। आओ आप मिलाकर के चलिए। जब तक सत्ता तुम्हारे पास नहीं होगी, जब तक ताकत तुम्हारे पास नहीं होगी, समाज का कुछ भला नहीं कर सकते। और नपुंसकों के हाथ में सत्ता और ताकत दोगे तो खुद भी मिटोगे और आने वाली नस्लों को भी तबाह करने का काम करोगे। इसलिए दोस्तों आपसे कहना चाहता हूं, मैं तो गले लगाने के लिए हमेशा पहले भी तैयार, आज भी तैयार, अपने कदम तो उठाओ, तैयार है अपने कदम तो उठाओ। इमरान को एक व्यक्ति नहीं, मैं अपने तमाम साथियों की बनाई हुई एक तहरीक हूं। इस इमरान के कदमों को साथियों अपनी तरफ लेकर के तो आओ, 10 कदम आप बढ़ो, 20 कदम अगर मैं ना बढ़ू तो साथियों हरी पंचायत में आप लोग को ऐलान कर करके मेरा इलाज करना। मैंने बार बार आह्वान किया, मुझे अभियान बना दिया दलितों का, क्योंकि मेरा परिवार उस दौर के अंदर भी, जिस दौर के अंदर दलितों का वोट नहीं होता था, उस दौर में भी हमारे यहां बराबर इतना करता। मैं मेरा परिवार कैसे इंसान के विरोध में हो सकती है? मेरा धर्म सिखाता है कि इंसान के अंदर कोई फर्क नहीं होता, सब इंसान बराबर होते हैं। और इंसान के अंदर जब मेरा मजहब ये कह रहा है कि फर्क नहीं होता, तो फिर दोस्तों में आपसे नफरत कैसे कर सकते? भाइयों की बहनों तुरंत से कहना चाहता हूं, खासतौर से बहनों से कहना चाहता हूं, मेरी बातों के ऊपर फिक्र करना। आने वाले वक्त के अंदर फैसला करने से पहले 50 बार सोचना। और जो कौम कमजोर रहेगी कमांडर के लड़ेगी, चूंकि लड़की हमेशा फौज है लेकिन नाम तो कप्तान का होता है, और अगर कप्तान का लोग है कितनी ही बहादुर फौज हो वो चुस्त पहले ही हार जाता। इसलिए दोस्तों तय करो कि मजबूत सेनापति मुझसे बेहतर कोई है, तय करो मैं तुझे पीछे करूंगा, लेकिन दिखाओ तो कोई। जब लड़ने का दम आएगा, लड़ने का नंबर आएगा, बोलने का वक्त आएगा तो सांप सूझ जाता है, चमचागिरी करने लगते हैं अधिकारियों की। अरे अपनी बात को मजबूती से रखने की अगर हिम्मत नहीं है तो फिर तुम्हें कयादत करने का, नेतृत्व करने का भी अधिकार नहीं होना चाहिए। कल मैं क्या राहुल गांधी जी मुझे मिले, मुझे नहीं पता किसने आपके से फोन किया, वहां कहने लगे मेरा
कार्यकर्ता को मुझे आना है, दलितों के ऊपर बहुत अत्याचार हुआ है। मैंने कहा सर अभी हालात नहीं है, अभी माहौल नहीं है, हम लोग माहौल को ठीक कर ले, दुरुस्त कर ले और फिर आपको बुलाने का काम करेंगे कि जाओ जाकर के पीड़ितों की मदद करो, पीड़ितों की मदद करो। ये नई बातचीत की है, पीड़ित के अंदर कोई जाति और कोई धर्म नहीं रहता। अब हर मजलूम के साथ खड़े होंगे, हर सालिम के साथ खिलाफ खड़े होंगे, चाहे जो करने वाला किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो। साथियों हमारा मानना यह है और आपसे भी आवाज करना चाहता हूं कि दोस्तों हमने हमेशा मोहब्बत की बात की, हम नफरत की बात करना नहीं चाहते। इन नफरत करने वाले लोगों से आपको भी सावधान रहना होगा। और फिर इस बुद्ध पूर्णिमा के पावन मौके को मैं आप सबको बधाई देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत धन्यवाद इमरान भाई। इसी बीच हमारे बीच में कांग्रेस पार्टी के प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री भगवती प्रसाद जी पहुंचे एक बार जोरदार तालियों के साथ।